हाय फ्रेंड्स, मैं उजमा खान। मेरे यूट्यूब चैनल उजमा किचन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कोरमा। इजीली आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन ग्रेवी। तो देखिए कितनी टेस्टी है, बहुत टेस्टी बना है, आप इजीली इसे घर पे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकन लिया है आधा किलो, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और मैंने यहाँ पे चार बड़े एक बारीक प्याज काट ली है, और यहाँ चार बड़े चम्मच मैंने काजू लिए हैं, छः से आठ लौंगे लिए हैं, एक काली मिर्च ली है, और चार पाँच हरी इलायची ली है। और यहाँ पे मैंने दो बड़े टमाटरों को इस तरह से काट लिया है। हम चलिए बनाएंगे चिकन ग्रेवी। और मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया है, इसको मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। यहाँ पे मैं तेल डाल रही हूँ, तेल में डाल रही हूँ दो चम्मच, दो बड़े चम्मच तेल डाला है मैंने इसमें। अब इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब देखिए तेल गर्म हो रहा है। तेल गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले, जो साबुत मसाले लिए हैं इसमें। मैं इसमें हरी इलायची डाल रही हूँ पहले, और काली मिर्च डाल दी है, लौंगे डाल दी हैं। इसको थोड़ा सॉटे कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जो मैंने बारीक बारीक काटी है बिल्कुल। अब इसको चला लेंगे थोड़ा। यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा है। अब मैं इसमें दो तेज़पत्ते जो मैंने लिए हैं वो मैं इसमें डाल लूँगी। तेज़पत्ते मैंने आपको नहीं दिखाए थे, लेकिन आप ये ज़रूर डाल लें। दो तेज़पत्ते मैंने इसमें डाल लिए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तेज़पत्ते डालने के बाद हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन मैंने पहले से ही धो के रख लिया है, साफ़ करके वो हम इसमें डाल देंगे। तो देखिए चिकन डाल दिया है मैंने। अब चिकन डालने के बाद थोड़ा इसको अच्छी तरीके से पका लेंगे, चला देंगे इसे अच्छी तरीके से। अब देखिए फ्लेम को मैंने मीडियम रखा है। मैंने इसमें एक चम्मच नमक डाल दिया है, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, और इसमें एक चम्मच भर के हल्दी पाउडर डाल दिया है। और यहाँ पे देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर, और यहाँ मैं डाल रही हूँ एक चम्मच धनिया पाउडर। अब देखिए मसाले डाल दिए मैंने, अब थोड़ा इसको चला देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने तीन चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है इसमें, और अब इसको हम चला देंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और चलाने के बाद हम इसको पकाएंगे करीब 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो भी मसाले हमने इसमें डाले हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएं। तो देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, मसाले सब अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के पानी, जो क्या इसको अभी चिकन को थोड़ा और गलाना है, और थोड़ी सी ग्रेवी भी करनी है, तरी रखनी है थोड़ी इसमें। तो मैंने 1 कप पानी इसमें डाल दिया है भर के। अब इसको थोड़ा सा चला देंगे। अब चलाने के बाद इसका ढक्कन बंद करके इसको पकाएंगे करीब 5 मिनट तक। अब देखिए मैंने जो काजू लिए थे मैं यहाँ पे कूट रही हूँ, कूट के डालूँगी इसमें। अगर आप चाहें तो मिक्सी जार में पीस के डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है मैंने, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। हल्का सा कूट के मैंने अब इसमें डाल दूँगी मैं। अब देखिए यहाँ पर चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, चिकन अच्छी तरीके से गल गया है। तो यहाँ पर मैंने काजू कूट के डाल दिए इसमें।
अब थोड़ा इसको चला देंगे अच्छी तरीके से, ताकि जो काजू हमने इसमें डाले हैं वो ग्रेवी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो देखिए काजू डाल दिए हैं। अब हमने जो टमाटर लिए थे उनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक काट के मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। आप चाहे तो उसको मिक्सी जार में पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बारीक बारीक काट लिया था फिर डाला है। टमाटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ज़्यादा हम लोग जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में चिकन खाते हैं वो उसमें टमाटर वगैरह पड़ा होता है, वो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने इसको बनाया है। अब इसको थोड़ा लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अब ढक्कन ढक के इसको 2 मिनट तक पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अब ये देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से सब पक गया है। हमारा बिल्कुल हो गया है तैयार, आप देख सकते हैं ग्रेवी बिल्कुल ऐसी रखी है हमने। अगर आप चाहें थोड़ा उसको और पतला कर सकते हैं, लेकिन थिक अच्छी लगती है ग्रेवी इसकी। तो देखिए बिल्कुल तैयार है चिकन हमारा। अब हम थोड़ी सी कसूरी मेथी हाथ में रब करते हुए डाल देंगे इसमें। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो बिल्कुल आखिरी में डालना है कसूरी मेथी जब बिल्कुल चिकन तैयार हो जाए। अब मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी डालने के बाद बस 1 मिनट और पकाया है चिकन को। अब मैंने यहाँ फ्लेम को 1 मिनट पकाने के बाद फ्लेम को बंद कर दिया है। तो देखिए चिकन तैयार है, कितना टेस्टी बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन है। आप इजीली से घर पे बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।